हरदोई के बिलग्राम थाना क्षेत्र में एक अधेड़ का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। अधेड़ का शव गांव से दूर एक भट्ठे से बरामद किया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर गांव के ही 4 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है। साथ ही पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। इनका नाम देवी प्रसाद है, ये कल शाम 5 बजे से गायब है और पता लगाने पे नहीं मिले। उसके बाद में सुबह देखा गया 8 बजे ये भट्टे के पास में लाश पड़ी मिली, वहाँ गोलियाँ भी लगी थी वो भी मिली हैं और वहाँ पुलिस वुलिस आई, जांच करने के बाद में उनको उठा लिया गया। बस 3 लोगों पर आरोप नामजद बताया गया है कि दीपक चंद और महेंद्र और आकाश और राहुल, इन लोगों पर शक किया गया है, इनके अलावा नहीं। हैबतपुर का रहने वाला देवी प्रसाद उर्फ लिल्ली नाम का एक व्यक्ति है जो कि 52 वर्षीय उम्र का था। कल से अपने घर से गायब हुआ और आज उसके घर से करीब 700 मीटर दूर पे उसकी डेड बॉडी मिली। उसके सर में 2 गोलियां लगी हुई हैं, 3 फायर वहाँ पे उसका कारतूस मिले हुए हैं और इस पूरे घटनाक्रम में उसके बॉडी पर जो है पंचायत और पोस्टमार्टम कार्रवाई कराई जाएगी। उसके घर वालों की तहरीर पे 3 व्यक्तियों के ऊपर उन्होंने संदेह किया है, उस घटना का परीक्षण किया जा रहा है, उसमें शीघ्र ही उस घटना का अनावरण किया जाएगा। क्या मोटिव क्या है? आपस में पुरानी रंजिश को लेकर के एक बार मारपीट हो चुकी है, 325 के मुकदमे भी पूर्व में कायम हुए थे इसके विरुद्ध, मृतक के विरुद्ध, लेकिन वो सस्पेक्टेड है। जब तक घटना का अनावरण नहीं हो जाता तब तक कुछ करना संभव है, लेकिन अतिशीघ्र घटना का अनावरण किया जाएगा।